ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन की ओर से फुलवारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आज उन लोगों के बीच जो मजबूर लाचार गरीब के बीच 150 लोगों को ठंडी से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। इस वितरण समारोह में डॉक्टर सैफ अहमद खान, शाह महमूद अहमद, सैयद तारिक अहमद, आमिर शरीफ, आकिब नाइक, यासर अरमान मलिक, रजी कमर एवं राकेश कुमार शामिल हुए। इस कंबल वितरण का आयोजन डॉक्टर सैफ अहमद खान एवं अरमान मलिक के द्वारा आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। का रिप्रेजेंटेटिव हो और आज हम लोग बस जो अदारा है वो सारी दुनिया में खिदमत खल्क का काम करता है। कहीं भी कोई भी मुतासिर हो बिना तफरीक मजहब मिलत और बिना कौम के तफरीक के सारी दुनिया में ये तंजीम काम करती है। आज हमें हम लोगों को डॉक्टर सैफ साहब की मार्फत से ये पता लगा इस कॉलोनी में भी ज़रूरतमंद लोग हैं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है पटना में, इसलिए ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल बांटने का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है और करीबन ढेर सारे लोगों को हम लोग यहाँ कर रहे हैं और फिर बाद में हम लोग एक जगह और फंक्शन है हमारा वहाँ भी हम करेंगे और हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। और खाली ये कंबल बांटने के लिए नहीं बल्कि जब फ्लड ये फ्लड आता है बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में वहाँ भी हम जा करके अपना ये भलाई काम करते हैं और ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मसाई को कामयाब करें और उसका बेहतरीन अजर हमारे डॉक्टर साहब और उनके जो भी मुआविनीन हैं वो सारे लोगों को भी इसका अजर मिले। और आप लोग जो मुस्तहक लोग हैं आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी हम लोगों से ये दुआएँ करें कि हम इसको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर सकें और इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम भलाई और फलाह बहबूद के काम आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो डिफरेंट टाइप का काम करते हैं जैसे ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट के कई गांवों में जहाँ पीने के पानी की किल्लत होती है वहाँ हम लोग डगवेल भी बनाते हैं और बहुत जगह अभी केरला में कई जगह क्या वहाँ डगवेल तो नहीं किया गया लेकिन कुएँ खोद के दिए, कुएँ खोद के उससे फ्रेश पानी निकालने का इंतजाम किया गया। अभी हैदराबाद में फ्लड आया तो वहाँ भी घर घर कॉलोनी में पहुँच करके ये किया गया। और कोविड के बीच में जब कोविड का बहुत ज़्यादा ये था तो कई जगह पर खाने का पैकेट तकसीम किया गया, बहुत सारे लोगों पर लोग स्टैंडर्ड हो गए थे, जैसे ट्रक ड्राइवर हाईवेज पर स्टैंडर्ड हो गए थे तो वहाँ पर जो नज़दीक में शहर था उस शहर के ह्यूमैनिटी फर्स्ट की ब्रांच की मार्फत से उन लोगों तक खाना पहुँचाया गया। गरीबों में झुग्गी झोपड़ी में खाना पहुँचाया गया। रमज़ान के महीने में भी हम लोग अफ्तार किट, रमज़ान किट बोलते हैं उसको, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो रमज़ान की ज़रूरत के तहत होती हैं वो हम लोग तकसीम करते हैं। एजुकेशनल वे में भी आप लोग एजुकेशनल वे में हम लोग स्कूल वगैरह तो ऐसे ह्यूमैनिटी फर्स्ट के अंडर में नहीं है लेकिन एजुकेशन स्कूल में जा करके जहाँ ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको हम लोग किताब और कॉपी और कलम के फराहमी करते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह। संस्था को कहाँ से ऐड मिलता है? ऐड नहीं मिलता, जनरेट करते हैं डोनेशन।
सब डोनेशन पे काम होता है सारा। जो ये भी आप देख रहे हैं ये लोकल डोनेशन है, और कुछ जो अदारा है वो उसने भी कुछ हम लोगों की मदद की है, और इस तरह से हम लोग डोनेशन पे ही चलता है ये। किसी से किसी यानी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स, कहीं से भी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या किसी भी गवर्नमेंट से हमको कोई एड इसमें नहीं मिलता। हम लोग बिल्कुल अपने जाती इस पे चंदे पे करते हैं।